इंडिया में कई सारे रोड एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें शायद पैसेंजर को इतनी मेजर इंजरीज नहीं आती अगर हाईवे पर क्रैश बैरियर का डिज़ाइन सही तरीके से बनाया जाता। इंडिया के बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भी ओपन एंडेड क्रैश बैरियर देखने को मिलते हैं, जिस वजह से कई सारे मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं और ये क्रैश बैरियर कार में बैठे लोगों की सेफ्टी इंश्योर करने के बजाय उनकी जान खतरे में डालते नजर आते हैं। रिसेंटली आपने मिस्टर विभाकर का भी एक वीडियो देखा था जहां उनके स्कॉर्पियो के एक्सीडेंट में वो अपना पैर गवा बैठे थे क्योंकि एक्सीडेंट में गाड़ी ओपन एंडेड क्रैश बैरियर में जाकर लड़ी और वो क्रैश बैरियर एक तलवार की तरह उनकी गाड़ी को चीरते हुए अंदर घुस गया और एक्सीलेटर से होते हुए उनका पैर काटते हुए गाड़ी के थर्ड रो तक जा पहुंचा। ये एक डेंजरस सिचुएशन है और वो एक्सीडेंट वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड समृद्धि महामार्ग में हुआ था और कई एक्सीडेंट ऐसे ओपन एंडेड क्रैश बैरियर की वजह से हो चुके हैं। चैनल पर मिस्टर सुरेश ने एक ऐसा ही एक्सीडेंट हमारे फेसबुक पेज पर शेयर किया था, आप इंस्टाग्राम फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से ओपन एंडेड क्रैश बैरियर गाड़ी के अंदर तलवार की तरह घुस गया। ये एक्सीडेंट नेल्लोर आंध्र प्रदेश में हुआ है जहाँ गाड़ी के ये हाल हुए। तो गाड़ी यहाँ 2015 मॉडल स्विफ्ट थी और पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओपन एंडेड क्रैश बैरियर को ड्राइवर साइड से गाड़ी को चीरता हुआ निकला है। यहाँ पैसेंजर्स की जानकारी मैसेज में नहीं दी गई थी पर को ड्राइवर सीट पर अगर आगे या पीछे कोई भी बैठा होता तो शायद बचना भी यहाँ नामुमकिन होता, एज गाड़ी की हाइट कम होने की वजह से बैरियर सीधा सीट के बीचों बीच से होकर निकला है, पर ड्राइवर के सर्वाइवल के चांसेस यहाँ थोड़े बन सकते हैं। आशा करते हैं एक्सीडेंट में किसी को इंजरीज ना आई हो और ड्राइवर अकेले ही हो गाड़ी में। तो इस तरह के एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए ना ही यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपना काम सही से करना पड़ेगा और नितिन गडकरी सर को भी जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं उन तक ये वीडियो अगर पहुंच पाए जैसे शायद पहले कुछ वीडियो उन तक पहुंचे हैं और भारत एनकैप आज की डेट में एक रियलिटी है, उस तरीके से इन वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की नज़र में ये प्रॉब्लम हाईलाइट हो और क्रैश बैरियर को खुला ना छोड़ा जाए किसी भी हाईवे पर और सही से एंड में टर्मिनेट किया जाए जैसा बाहर देशों में किया जाता है। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।